अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज जब इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इजहारे अफसोस और इजहारे शर्मिंदगी है। किसकी तरफ से? मेरी तरफ से। उसकी वजह क्या है? ये 2-4 मिनट की वीडियो आपको आश्कार कर देगी। नाज़रीन, मैं किसी भी मौजू पर वीडियो बनाई अगर एम्प्लाइज या पेंशनर्स के हवाले से, मुझे ये सवाल किया गया कि ईओबीआई की पेंशन, मैंने पूछा था कि आपको मिली है, अगर मिली है तो बड़ी है, तो वो सिलसिला अब तक जारी है। मुझे ये बताया जा रहा है कि वो पेंशन नहीं बढ़ी, और इस दौरान कहाँ कहाँ इजाफा नहीं हुआ, और हम आपको खबरें देते रहे, कहीं 17.5% पेंशन इजाफे की, और इसके अलावा पाइपलाइन में और भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या गुजरती होगी मेरे उन सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स भाइयों और बेवा बहनों पर, कि जब उन्हें पता चलता होगा कि हमारी पेंशन में जो एक पीनट प्लांट, या उसे ऊंट के मुंह में जीरा कह लें आप, वो उस पर ही इक्तफा कर लिया कि मजीद इजाफे की हम कोशिश करेंगे, चलो कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जब पेंशन आई तो वही पुरानी। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि मैं खुशखबरियां सुनाता रहा। जाहिर है कि जिन लोगों के लिए खुशखबरियां हैं, उनके लिए वो अच्छा, हम उनकी खुदा ना खास्ता खुशियां नहीं छीनना चाहते, लेकिन अदल और इंसाफ तो हम बहरहाल चाहते हैं ना। ये जुल्म है, ये खिलाफ अदल है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे पास 3 कैटेगरीज के मैसेजेस आते हैं। बहुत कम मैसेजेस आप देखते हैं जो कमेंट्स में आते हैं, जो ज़ाती तौर पर मुझे व्हाट्सएप में मिलते हैं। जब मैं फ़ोन नंबर अपना दे रहा था, दे चुका था, तो वो लोग सेव कर लेते थे। आजकल मैं इसीलिए नहीं घबरा कर देता, तो वो उनकी तरफ से वॉइस मैसेजेस आते हैं या रिटन मैसेजेस आते हैं। इसके अलावा जो मेरे जानने वाले सरे राह मिल जाते हैं, आज भी एक साहब ने जिक्र किया है, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। अरबाब इख्तियार तो ये कहता है कि हमारा हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं। तो भाई, अगर आप अपने एम्प्लाइज़ को पुरतश तनख्वाह दे रहे हैं, तो जिनकी हक हलाल की कमाई से दे रहे हैं, खुदा रहा उनका भी कुछ सोचे। आपको क़यामत को जवाब देना है अल्लाह ताला को, और ये सब कुछ यही रह जाना है। आप अंदाज़ा करें कि इस हुकूमत ने क्या क्या अखराजात नहीं किए, लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या रहीं कि अवाम में नंबर बनाएं। अब हम और क्या कहें, बस हम इनके लिए नेकी की हदायत के साथ इन्हें खौफ खुदा दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक और मुतालबा जो ईओबीआई के अक्सर लोग हमसे करते हैं, कि जिस तरह पीटीसीएल और एनबीपी के लोग जो हैं वो मुजाहरा का प्लान बना रहे हैं, तो ईओबीआई क्यों नहीं बनाती? और उस हवाले से आप ये समझ लें कि मैं एपवा को जज्बात बता रहा हूँ और दूसरे फेडरेशन को भी बता रहा हूँ। हालांकि अगर एपवा का एक किरदार देखें तो वो बहुत मिसाली है। ख़ास तौर पर मैं दाद दिए बगैर नहीं रह सकता जनाब जुबैरी साहब को, कि जिस तरह वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ काफ़ी होगा। जब तक एक मुत्तहिद होकर पुरसुकून
पुरमन मुजाहरा किया जाएगा तो मीडिया की नज़र में भी आएंगे आप, और आप मीडिया खुद आप तक पहुंचेगा और फिर सिविल सोसाइटी की भी नज़र पड़ेगी, ह्यूमन राइट्स वाले भी फिर चौंकेंगे और उसके बाद कामयाबी के चांसेस होंगे। नाज़िन बस आज तो कैफियत ऐसी बोझल है कि ये भी नहीं कहने को जी चाहता कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।